Hello, assalamualaikum. This is my new vlog और आज का scene कुछ यूँ है कि हम लोग जा रहे हैं नहाने क्योंकि रमजान में थे हमारे papers होते हैं ऐसे कि मिड के paper खत्म होते हैं हम टांगे बाजू से नहीं निकलते तो final के paper आ जाते हैं तो इस वजह से ना बहुत busy मतलब कि busy तो नहीं कह सकते कि हम बहुत आपको पता पढ़ने वाले बच्चे हैं तो अब हमने ईद का आ जाए तीसरा दिन तो आज हमने बनाया नहाने का प्लान ईद के पहले दो दिन हमारे थे बिजी क्योंकि मेरे कज़न की थी शादी मतलब निकाह था शादी नहीं थी तो ईद के पहले दिन शाम टाइम उसकी मेहंदी थी फिर कल हम लोग बिजी रहे निकाह में कल निकाह था तो कल लेट हम लोग घर वापस आए हैं तो आज हमारा प्लान था नहाने जाने का तकरीबन 9 बजे का तो इस टाइम क्या टाइम हो चुका है उसमें 11-12 बज गए हैं तो इस टाइम आप देख सकते हैं हम कितने वक्त की पाबंदी करते हैं हम लोग तो बाकी हम हैं हमारा दोस्त है एक पराचा तो उसने हमें इनवाइट किया है कि आए आप लोग मेरे फार्म हाउस पे नहाने के लिए तो अब इंशाल्लाह हम लोग उधर जाके आपको मिलते हैं जी हम जो हमारे प्राचा भाई हैं जिनका फार्म हाउस पे हमें इनवाइट किया गया था उनके फार्म हाउस पे पहुंच गए तो आए आप उनसे मिलो प्राचा साहब क्या हाल चाल है ठीक अल्हम्दुलिल्लाह ये कब बनाया था ये फार्म हाउस आपने 12-13 साल पहले बनाया था साया ने बनाया था मेरे अच्छा अभी मतलब तीने हमारे जो अबू के भाई हैं उनका है ये अच्छा अच्छा अब आपकी बारी है संभालने की नहीं यार अभी तो टाइम है अभी तो प्राचा साहब कुंवारे हैं ना प्राचा साहब की शादी होनी है बहुत चंगा ना मैं सबको भूख लगी हुई है क्योंकि नाश्ता कोई भी नहीं करके आया तो अब सब बैठे खाना खा रहे हैं आए आपको दिखाते हैं खर्चेंगे होली से किन्नी चुन्नी सांसा